Hello everyone, I welcome you back to the channel. So today this is kind of an urgent video which I wanted to share with all of you, because I have been receiving many DMs from 2019 batch MBBS particularly, and many students are still not understanding the process of MBBS third year and how you could balance it with final year. So I thought of making this video. So today we'll principally see that what big mistake you should avoid if you are an MBBS third year student as of now. Right, so now this thing is basically on the basis of my own experience and what I have seen interacting with MBBS 2018 students. So this is something very personalized. Agar aapki strategy kuch alag hai and you are following that, you are doing good. So please don't panic and don't modify things at bas sunke, right? So now let's begin with the video. Before that, I am Dr. Akshat Juneja, MBBS intern at Jabalpur, and basically we are now close to 100k. We are at 97,000 subscriber, and it's all because of you guys. I started it with 2019 batch. So I would again request, if still anyone has not subscribed and is watching the channel, please subscribe and share to the friends. And if you have any query, you can surely DM or comment below. So now let's begin with the video, right? So what is the biggest mistake? So basically, abhi MBBS third year mein teen zones mein student hai, right? Ek pehla zone wo hai jo ki basically is doing only and only third year principally. मतलब थर्ड ईयर आपका से आई गेस 3-4 महीने या जितना हो गया होगा शुरू हुए को, तो वो जब से थर्ड ईयर ही पढ़ रहे हैं उन्होंने सोचा फाइनल ईयर को फाइनल ईयर में देखेंगे, अभी रहने देते हैं, राइट? देन देयर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग थर्ड ईयर के साथ साथ फोर्थ ईयर का भी कुछ पार्ट, बट दे आर डूइंग इट शॉर्ट सब्जेक्ट्स. कि जो शॉर्ट सब्जेक्ट होते हैं आपके 5 शॉर्ट सब्जेक्ट्स, उन्होंने कहा कि मैं 5 सब्जेक्ट कर पाऊंगा तो उससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि 5 सब्जेक्ट हो गए, तो वो ये चीज़ कर रहे हैं. देन देर आर थर्ड स्टूडेंट जो थर्ड ईयर कर रहे हैं बट उसके साथ साथ फोर्थ ईयर के लॉन्ग सब्जेक्ट्स, जबकि आपका मेडिसिन, पीडिया, सर्जरी, ऑब्सगाइनी, ये सब है, ठीक है? तो अब अपन एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि आपकी एग्जाम जो होने वाली है वो लगभग जैन में होगी, जैन, फेब, जब भी हो, राइट? तो आपके कॉलेज के प्रेलिम्स हो जाएंगे दिसंबर में, अभी टर्मिनल्स तो आप छोड़ दो, ठीक है? तो क्या होगा कि आप अक्टूबर नवंबर में तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर ही पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग दिसंबर, इंक्लूडिंग जनवरी, बिकॉज एग्जाम का एक प्रेशर रहेगा, राइट? अगर जिन लोगों ने अभी तक फाइनल ईयर नहीं पढ़ा है और वो सोचते हैं कि विचार रखते हैं कि फाइनल ईयर पढ़ लेना चाहिए, सो दे हैव ओनली अपॉर्चुनिटी इन ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर. नाउ ऑब्वियसली यू कांट डिवोट एंटायर डे स्टडिंग फाइनल ईयर, राइट? सो बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम हम देंगे बट हम फाइनल ईयर भी पढ़ेंगे. तो मेरे को आपसे क्या चीज़ क्लियर करनी है, मेरे को आपसे ये मिस्टेक आपकी बचानी है कि एक चीज़, आप सिर्फ थर्ड ईयर मत पढ़िए, ठीक है? और दूसरी चीज़, आप शॉर्ट सब्जेक्ट्स भी मत पढ़िए अभी एज ऑफ नाउ, ओके? सो दिस इज टू मिस्टेक्स अकॉर्डिंग टू मी. सो नाउ व्हाई इज इट, हाउ कैन बी मॉडिफाइड एंड हाउ कैन बी इम्प्लीमेंटेड, लेट्स सी. बट अगेन दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल अप्रोच, अगर आपकी कुछ मैटर भी करती है तो डजेंट हैव एनी प्रॉब्लम. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हमें सिर्फ थर्ड ईयर में थर्ड ईयर पढ़ना चाहिए, राइट? सो दे आर लाइक कि क्यों इतना पैनिक करवा रहे हैं, क्यों फाइनल ईयर का हम सोच रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा ना कि अभी आपने थर्ड ईयर में थर्ड ईयर पढ़ा, वेरी गुड, राइट? यू शुड ऑलवेज बी चिल इन मेडिकल स्कूल, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते. बट एट द सेम टाइम फाइनल ईयर इज वेरी बल्की एज कम्पेयर टू थर्ड ईयर. अगर आपने अभी उसका कुछ पोर्शन जो कि बहुत ही बोरिंग सा पोर्शन है या टाइम टेकिंग पोर्शन है वो अभी नहीं करके रखा, तो आपका फाइनल ईयर का कुछ पार्ट मिस हो जाएगा. अगर आप प्रेपरेटर, मैरो, डैम्स, कुछ भी आपके पास कोचिंग है तो आप उसके या तो वीडियोस देखते होंगे या क्लास अटेंड करते होंगे. तो क्या होगा कि आपके पास फाइनल ईयर में जो वीडियो देखने का एक प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि पूरा फाइनल ईयर बचा है. तो या तो आप क्या करोगे, सिलेबस में कटौती करोगे कि आप सिर्फ IMP टॉपिक जो आपके यूनिवर्सिटी के हैं वो पढ़ोगे, या तो आप कॉलेज की पोस्टिंग्स में जाना कम कर दोगे कि यार नहीं हो पा रहा है, मतलब आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, जबकि वहाँ पर अगर टाइम वेस्ट आपको लगता भी है, स्टिल यू आर लर्निंग वेरी मच, बिकॉज इंटर्नशिप में आके आप सीखते हो चीज़ें ऑब्वियसली, बट वो आप प्रोसीजर्स ज़्यादा सीखते हो. जो एक पर्टिकुलर मेडिसिनल केस है कि ये केस है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या कॉजेज है, वो सारी चीज़ें आप फाइनल ईयर में ही सीख सकते हो. इंटर्नशिप में आके आप पेपर वर्क करोगे, आप इतने सारे दूसरे काम करोगे, सूचर लगाओगे, ये सब करोगे, तो वो जो आपको एक केस को अच्छे से एनालिसिस करने का मौका मिलता है वो आपको फाइनल ईयर में ही मिलेगा. तो आई वुड सजेस्ट कि ये चीज़ मिस आउट नहीं करना है, सिलेबस मिस आउट नहीं करना है, एक बार का सब पढ़ा होना चाहिए. या तो आप फिर कॉलेज की क्लासेस मिस आउट कर दोगे, या तो आप शॉर्ट सब्जेक्ट्स के वीडियो मिस आउट कर दोगे. अगर आपने लॉन्ग सब्जेक्ट नहीं पढ़, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ के रखा है, तो आप फिर लॉन्ग सब्जेक्ट्स देखोगे और आप शॉर्ट सब्जेक्ट्स को छोड़ दोगे, राइट? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नौबत नहीं आए, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करवाना चाह रहा हूँ फाइनल ईयर इन थर्ड ईयर इट्सेल्फ.
ठीक है, बिकॉज कंसेप्ट बिल्डिंग विल कंज्यूम टाइम। आप ये मत सोचिए कि आप कोई भी ऐप में वीडियो देखते हैं तो आपको एक बार में आपने देखेंगे फाइनल ईयर में और आपको तुरंत याद हो जाएगा, नहीं। आपको भी पता है आखिरी तक एग्जाम तक कुछ याद नहीं रहता है, राइट। सो दिस कंसेप्ट बिल्डिंग विल कंज्यूम टाइम। आपने थर्ड ईयर में थोड़ा सा 3 यूनिट आपने मेडिसिन के वीडियो देखे, आपने वार्ड पोस्टिंग में फोर्थ ईयर में उसको शुरू शुरू में देखा, तब जाके वो चीज़ आपके दिमाग में छपेगी कि माइट्रल रिगर्जिटेशन की क्लासिकल फाइंडिंग्स क्या क्या हैं, राइट। नाउ दूसरे बच्चे बोलेंगे कि पार्क बहुत बल्की है तो हम नहीं कर सकते फाइनल ईयर, राइट, हम थर्ड ईयर ही करेंगे सिर्फ। तो आई एग्री कि पार्क काफ़ी बल्की है, बट क्या होता है कई बार कि एक साइकोलॉजिकल आपका माइंडसेट है, आप सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ के आए, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ के आए, राइट, अगर आप फॉरेंसिक छोड़ भी दे तो आपने कितनी बल्की चीज़ें करी सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में आके आपके पास बस एक पार्क्स बचती है एज ऑफ नाउ। ENT ऑफ्थल में इतनी बुक रीडिंग ना तो एडवाइज्ड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, और अगर आप करते भी हैं तो ओवर मेडिसिन सर्जरी तो मैं नहीं बोलूंगा एज ऑफ नाउ, राइट। सो पार्क ऑल दो विल टेक टाइम इफ यू आर डूइंग इट वेल एंड फाइन, बट ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा पढ़ना है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आप पढ़ बहुत सारा रहे, आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है पूरा साल भर बस एक पार्क ही पढ़नी है, तो आप बहुत अच्छे से टाइम दे रहे हैं, ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको ही पता है आपको रिटेन सिर्फ और सिर्फ इतना सा पार्ट होगा, राइट, और वो भी आप या तो कोई गाइड बुक से करोगे, विवेक जैन जैसी गाइड बुक, या तो फिर आजकल अर्पित सर का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे उन्होंने काफ़ी शॉर्ट में कवर किया है, उससे करोगे। तो अल्टीमेटली पार्क को आप रिवाइज नहीं कर पाओगे तो पार्क पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है, बिकॉज जो चीज़ आप रिवाइज नहीं कर पाओगे आप उसको मत पढ़ो, राइट। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ फोकस ऑन फाइनल ईयर का भी थोड़ा सा पार्ट। अब कितना थोड़ा सा, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि जो बच्चे पहले अभी बोल रहे हैं कि भैया हमने तो शॉर्ट सब्जेक्ट कर लिया है, ठीक है, हमने 5 शॉर्ट सब्जेक्ट कर लिया, आपकी बैच में भी ऐसे होंगे जो अभी थर्ड ईयर में हैं, उन्होंने ऑर्थो कर लिया, रेडियो कर लिया, एनेस्थीशिया कर लिया, साइकी कर लिया, डर्मा कर लिया, ठीक है, अब आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा कि इसने तो फाइनल ईयर के 5 सब्जेक्ट कर लिए। बट वन थिंग विच आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑल इज कि अभी आप थर्ड ईयर में, ये जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं इनमें ऑल दो देयर आर कंसेप्चुअल पॉइंट्स, बट उतने नहीं होते जितने मेडिसिन सर्जरी में होते हैं। ऑर्थो में जो नेम्ड फ्रैक्चर है आप अभी आपने पढ़ भी लिया, आपने वीडियो देख भी लिया, इट्स ऑल गुड, आई एम नॉट सेइंग नो, बट आप वो चीज़ भूल जाओगे आप फाइनल ईयर में जाके, या तो आपको वापस से बहुत अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा, या हो सकता है आप सोचो कि नया कुछ अपडेट आ गया, नया एडिशन आ गया तो मैं नए वीडियोज़ देख लूँ, तो उस केस में आपका फिर से टाइम वेस्ट होगा, है ना, बिकॉज वो पूरा रटने के हैं, बहुत छोटा सब्जेक्ट है वो, और स्यूडो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि 5 सब्जेक्ट हो गए। बट ऑन दी अदर नोट व्हाट आई वुड सजेस्ट यू फर्स्ट इज डू दीज थिंग्स। व्हाई? अगर आपने मेडिसिन में CNS, GIT, CVS ये 3 यूनिट भी, नाउ दिस इज मिनिमम, मतलब इतना कर सको तो वेल एंड फाइन, ठीक है, तो ये 3 यूनिट्स आपने यदि कर लिए तो बिलीव मी आपकी फाइनल ईयर की जब पोस्टिंग शुरू होगी, अगर आपने ये 3 यूनिट नहीं पढ़ रखे ना, बॉस आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फिर आपका वो एक्सरसाइज भी जाएगा, फिर आप सोचोगे कि मैं पोस्टिंग से आने के, मतलब पोस्टिंग में जाने से पहले ये पूरा यूनिट ख़त्म कर लूँ, तो वो हो नहीं पाएगा, तो वो सब मिक्सअप हो जाता है। तो उसकी बजाय आप ये 3 यूनिट्स पहले से पक्के रखो अपने, अभी से आप क्या करो, बस अभी आपको कुछ नहीं करना, उसकी वीडियो देख के रखना है और एक बार जस्ट गो थ्रू कैजुअल रीडिंग करना है, कोई क्यू बैंक मत करो, नहीं कर पाओ वेल एंड फाइन, ठीक है, बस कैजुअल रीडिंग कर लो। सर्जरी में जनरल सर्जरी को आप एक बार कैजुअली रीड कर लो, वीडियो देख लो, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। अगर आप ऑप्स गायनीपीडिया और बचा हुआ सर्जरी, बचा हुआ मेडिसिन नहीं भी कर पाते हो, इट विल बी फाइन। ऐसा नहीं है कि ये इतना ही करना है या इतना नहीं करा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, दोनों के इसमें कुछ नहीं है, आपको ही पता है MBBS हो जाता है, आप एक साल बाद खुद डॉक्टर बनने वाले हो, तो इट विल इवेंचुअली टर्न आउट टू बी गुड। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्मूद हो, आपको अल्टीमेटली ये नहीं लगे यार ये रह गया ये रह गया, कुछ तो रहेगा, बट हो सकता है एंडोक्राइन छूट जाए, चलेगा, एंडोक्राइन ऐसा है जो अभी आपको इतना बॉदर नहीं करेगा आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग में, इनिशियली एंडोक्राइन बहुत बॉदर नहीं करेगा, एग्जाम के लिए पढ़ना है वो फाइन है, बट अभी आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा। तो आप कैसे करें, तो आप जैसे एक चीज़ मैंने आपको बोली अगस्त सेप्टेम्बर, मैंने आपको पहले ही टाइमलाइन बता दी कि अक्टूबर नवंबर तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप थर्ड ईयर ही पढ़ो वेल एंड फाइन। अगस्त सेप्टेम्बर में मैं क्या बोल रहा हूँ कि बस आप कुछ मत करो, आप 2 घंटे एवरीडे कर लो। अभी देखो परसों से राखी के वैकेशन शुरू हो ही चुके होंगे काफ़ी जगह, यहाँ होने वाले होंगे, फिर वो 15 अगस्त तक थोड़ा छुट्टी का माहौल ही रहेगा, राइट। तो आप, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि आप 2 घंटे रोज़ के मुझे दे दो फॉर फाइनल ईयर। आपकी कॉलेज क्लासेस है, आपकी वो सब है, आई एग्री, बट आप 1 से 2 घंटा भी मुझे दे दो तो आपके पास 120 आवर्स इन टोटल हो जाएंगे
फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 60 डेज, राइट। 120 आवर्स जो आपके पास टोटल हुए हैं उसमें से मैं चाह रहा हूँ कि आप 30 आवर्स दें CVS को मेडिसिन के, जिसमें आप उसके वीडियोस देखें, चाहे आप मैरो से फॉलो करते हैं, प्रेप से फॉलो करते हैं, डैम्स की क्लासेस करते हैं, इट विल नॉट मैटर। अगर आप राकेश सर से पढ़ेंगे, अगर आप मारवा सर से पढ़ेंगे, चाहे अरविंद अरोरा सर से पढ़ेंगे डैम्स में, ऑल हैव टॉट वेरी वेल। दिलीप सर का जो MMS वाला एक सीरीज चलता है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो उस चीज़ में मत जाओ कि अब मेडिसिन कहाँ से पढ़ूँ। देखो, जहाँ से आपके पास सोर्स है वहाँ से पढ़ो, और जो आपको फेमिलियर लग रहा है, जो आपको लग रहा है रिवाइज हो पाएगा एट दी एंड, बिकॉज फाइनल ईयर में आप सब पढ़ लोगे नो डाउट, बट जब इंटर्न में आके आप रिवाइज करने का मेरे से पूछोगे ना मेडिसिन, तो मुझे पता है कि कितना रिवाइज हो पाता है, राइट। सो 30 आवर्स आई वुड सजेस्ट गिव टू CVS मेडिसिन, 30 आवर्स GIT मेडिसिन, 50 आवर्स टू CNS मेडिसिन। CNS के काफ़ी बड़े या तो वीडियो होते हैं या क्लासेज होती हैं, इन जनरल ड्यूरेशन ज़्यादा है, एंड 10 आवर्स टू जनरल सर्जरी। तो इस तरीके से आपके वो जो सारे टॉपिक्स वाले वीडियोज़ हैं या तो वीडियो या क्लासेज वो कवर हो जाएंगी। उनको आप एक रीडिंग मार के रखो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो जब भी टाइम मिले। तो गाइज, दिस वॉज अ वीडियो जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस, नो नीड टू पैनिक। इफ यू आर इन जोन 1, 2, 3, कीप गोइंग अहेड, just study well, keep revising the stuff, and always don't worry so much about future, but have a mindset कि यार ये चीज़ मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिरी में बहुत ज़्यादा burden हो जाएगा, या तो मैं अभी बहुत ज़्यादा relaxed हूँ, है ना। बिकॉज आप अननेसेसरी एक एक लाइन पढ़ोगे ना ENT ऑफ्थल की बुक्स की, तो वो मेडिसिन सर्जरी छोड़ने से तो कम ही अच्छा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे जो मैंने बोला था आपको मिस आउट होंगी चीज़ें, इसमें बुक्स तो मैंने बोली नहीं, क्योंकि आजकल बुक्स का थोड़ा कम होते जा रहा है फैशन, आपको ही पता है। तो बुक्स आप पढ़ोगे एग्जाम्स के पहले, आई नो, बट इसमें भी आपकी बुक्स छूटने का डर है अगर आप अभी से थोड़ा बहुत शुरू नहीं करोगे। तो आई होप यू गॉट दी आइडिया, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम मेट शॉर्ट्स, एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड कीप लर्निंग।